मेरा नाम मूसा सैयद है, मैं रहने वाला रामवाड़ी में है। और ये जो घटना हो गई, जो मेरे पे इल्ज़ाम लगा गया, तो वो जो हम गौ से आए भाई घर में, तो मैंने देखा कि वो पार्टीशन को मारे ले है। तो मैंने उनको बोला ये पार्टीशन हमारे गैर हाजिरी में क्यों मारे तुम? तो उसने लगे बोले तुम्हारे गैर हाजिरी में नहीं मारे, बोले हमको हमने ये करने का था बोले, और ना भी बोले वो हमारे थोड़े बातें जाता हो गए। तो वो लेके निकल गए कि बोले अभी तुझे मैं ऐसा भूता की बोले कि देख बोले अभी जा। लेकिन जो पुलिस दवाखाने में भागी और उसके बाद क्या हो गया मालूम पड़ा कि वो दवाखाने में पूरा आंग फाड़ कर वार कर एडमिट हो गई। फिर भी हम दवाखाने में उसको देखने को गए, फिर उसको बात की हमने कि भाई तूने ऐसा क्यों करी, हमने तो तेरे पे कुछ नहीं करे थे, बात अच्छी तरह थोड़ी गाली गलूज हो गई। तो उसने कहा नहीं बोले अभी मैं तुझे बोले ऐसा बताऊंगे, मेरे घरवाली को बोले तुमने मुझे इतना मारे, उसके भाई लोगों ने हमारे पे इल्ज़ाम लगाए और ये इल्ज़ाम गलत है, झूठे, हमने मारे तोड़े नहीं उनको, कोई गलत काम नहीं करे। और पुलिस सरकार को अपनी फरियाद इंतजा है कि ये जो कार्रवाई इनक्वरी काटे और गुनहगार अगर मैं होऊंगा तो मुझे सजा दे, और अगर वो गुनहगार होंगे तो उसे सजा दे। इतनी अभी थोड़े दिन पहले थोड़े से झगड़े हो गए थे, तो वो हमारे दो लड़कियां हैं, मेरे दोनों लड़कियां का नाम डाली उन्हें, मेरे घरवाली का नाम डाली, मेरा नाम डाली रुखसाना सैयद। वो मुझे अंदर से गाली गलौज करती, कोसती और बुरे बुरे बात नहीं कि गाली गलौज करती, फिर बेटी आ जाती है रूबीना और वो भी बहुत गलत गलत बोलती है और बहुत तकलीफ, हम परेशान हैं उनके वास्ते। अभी थोड़े दिन 2 महीने पहले मेरी और मेरे घरवाली की, मेरे दो जवान बेटियां की, उन्हें कम्प्लेंट करी ना हक मारा मान हार की और उसका जो करा और ये कम्प्लीट करके ये पुलिस प्रशासन को कम्प्लीट दिया। मालूम पड़ा कि दवा खाने में हम उसको देखने हो गए, तो उसका बाप मुनवर सैयद मेरे घरवाली को आंख पे आकर तेरा गला काट दूंगा, तुझको जान से मार दूंगा, और उसके बाद मुझे देखा और मेरे आंख पे बोले मैं तुझको जान से मार दूंगा, 2 बुक्की का लेना फेंट का लेना बोले तू, और इसलिए मेरे पीछे भाग रहा और मैं भी उसके मैं आगे आगे भाग रहा हूँ, मेरे पीछे भाग रहा, ये जानलेवा हमला उसने मेरे दवाखाने में किया।